सतर्कता व जानकारी के अभाव में अजमेर व आसपास के क्षेत्रों के कई लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ठगी करने वाले देश के सैनिकों की फेक आईडी व दस्तावेज भेजकर न केवल यहां के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं बल्कि सेना के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। ताजा घटना में क्षेत्र के आदर्श नगर इलाके में रहने वाले संजय बिजलानी की पत्नी ने ऑनलाइन OLX ऐप के माध्यम से वाहन बेचने के लिए जब संपर्क साधा तो दूसरी ओर सैनिक होने के कारण विश्वास करके करीब 90,000 रुपए गंवा बैठी। बिजलानी ने बताया कि उसने पिछले दिनों अपनी बाइक OLX के माध्यम से बेचनी थी। ऐप पर दिए गए संपर्क नंबर पर जब बात चली तो व्यक्ति ने अपना नाम महाराष्ट्र का रहने वाला राजीव रंजन बताया और कहा कि वह बतौर सैनिक कोलकाता में कार्यरत है। विश्वास के लिए उसने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड व कुछ अन्य दस्तावेज भी पेश किए। हमने OLX पे एक बाइक बेचने के लिए, हमारे पास एक टू व्हीलर है उसको बेचने के लिए OLX पे डाला था, तो फोन आया वहां से कि मैं आर्मी में काम करता हूँ। उसने अपना पूरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आर्मी का पूरा उसका जो आईडी है वो सब दिए और मेरी वाइफ को बोला कि अब 10 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपको मिले तो आप बता देना। तो जैसे ही बोला कि हाँ मिल गए हमें 10 रुपये, तो बोले अब अपना UPI पिन डाल के चेक कर लो, मैंने ट्रांसफ़र कर लिए बाकी के पैसे। और इस तरह से दो बारी में 45,000 रुपये अकाउंट से विड्रॉ। क्या नाम बताया उस अपना और क्या काम करता है, कुछ बताया? राजीव रंजन नाम बताया और आर्मी में बताया। कहाँ का रहने वाला बताया? जोधपुर का। परसों ये घटना परसों की है। मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ, मुकदमा दर्ज। कौन से थाने में? आदर्श नगर थाना। कहाँ रहते हैं आप? आदर्श नगर ही। कौन से बैंक में खाता है? HDFC बैंक। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।